नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजल पांडे और आप देख रहे हैं ज्ञान जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, और देखेंगे कि इंडिया का स्टांस क्या है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले हमें ये बात जान लेनी चाहिए कि इस समय ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये इस समय इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में नहीं चल रहा है। इस समय ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इसराइल और हमास के बीच में चल रहा है। जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो पैलेस्टीन और इसराइल की जो पुलिस है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे हुई थी, लेकिन अब ये जो पूरा सिचुएशन है, ये जो पूरा मैटर है, ये कन्वर्ट हो गया है हमास की तरफ। क्योंकि जब अल अस्का मॉस्क में जो हिंसा हुई थी उसमें पैलेस्टीनियों और इसराइल की पुलिस के बीच में हिंसा हुई थी, जिसके बाद से ही हमास ने इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर किए थे, जिसके बाद से ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल वर्सेस हमास हो गया था। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमास क्या है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये जो अपना पूरा नेक्सस है ये गाजा स्ट्रिप से कंट्रोल करती है। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ये जो इसराइल वाला पार्ट है उसे भी ये लोग पैलेस्टीन के अंदर ले और जो पूरी ज्यूइश पॉपुलेशन है उसको वो लोग हटा दे वहां से और ये एक पूरा एक नेशन बना दे जिसमें गाजा स्ट्रिप, इसराइल और वेस्ट बैंक शामिल हो। आज ये जो सिचुएशन है जो कि इतनी खराब हो चुकी है, इसका जो जिम्मेदार है वो और कोई नहीं केवल हमास ही है। क्योंकि हमास ने जो इंटरनल मैटर था इसराइल का, पैलेस्टीन और इसराइल पुलिस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया और जिसके बाद इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। अगर उन दंगों में पाकिस्तान की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है जिससे कि वो अपना फायदा देख सके, उसी तरीके से कुछ हुआ है इसराइल में, जिसमें हमास ने जो पैलेस्टीन और इसराइल पुलिस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसमें इंटरफेयर किया, उसे अपने फायदे के लिए यूज किया। अब ये जो लड़ाई है वो और ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है क्योंकि डेली दोनों तरफ से कई सारे रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। जिस दिन अल अस्का मॉस्क में हिंसा हुई थी उसके बाद से ही हमास ने अब तक 3,500 रॉकेट लॉन्च कर चुका है, जिसके कारण इसराइल में भी 10 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें 2 बच्चे भी हैं, और साथ ही साथ पैलेस्टीन में जो कि ईरान की एयर स्ट्राइक के द्वारा वहां पे 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जिसमें 58 बच्चे भी शामिल हैं। अभी जो पूरी लड़ाई है ये काफी ज्यादा खूनी हो चुकी है और इसे देखते हुए जो बाकी देश हैं वो भी काफी चिंतित हैं। अब अगर हम बात करें, अभी कुछ ही दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया था कि इसराइल की एयर स्ट्राइक में जो अल जजीरा का ऑफिस है उसे गिरा दिया गया है। एक्चुअली में हुआ ये है कि जिस बिल्डिंग को इसराइल ने एयर स्ट्राइक के द्वारा गिराया है उस बिल्डिंग से हमास अपना मिलिट्री बेस ऑपरेट करता था और उसी बिल्डिंग पे अल जजीरा का ऑफिस भी था, जिससे साफ पता चलता है कि अल जजीरा और हमास के रिलेशन काफी अच्छे थे। और इसीलिए स्टार्टिंग से ही जब से ये टेंशन स्टार्ट हुई है तब से अल जजीरा केवल एक साइड की रिपोर्टिंग कर रहा है। उसने हर बार इसराइल को गलत दिखाया है और आधी न्यूज को लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अब अगर हम बात करें इस पूरे मैटर में इंडिया के स्टांस के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि कल यूएनएससी की एक मीटिंग हुई, यूएनएससी की यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग न्यूयॉर्क में हुई। क्योंकि ये कोविड का टाइम है इसलिए ये जो मीटिंग हुई है वर्चुअली हुई थी, जिसमें जो 15 मेंबर कंट्रीज हैं यूएन की वो सभी शामिल हुई थी। इस मीटिंग का काफी समय से कई लोगों को इंतजार था क्योंकि लोगों को आस थी कि इस मीटिंग से कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा, कोई रेजोल्यूशन पास किया जाएगा या किसी तरीके के सैंक्शंस लगाए जाएंगे इसराइल या फिर पैलेस्टीन के ऊपर, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब होती चली जा रही है और कई सिविलियंस की जान जा रही है इस पे। और कल जब ये मीटिंग कंडक्ट हुई तो उसमें जो इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने साफ साफ कहा कि इसराइल हैज मेड इट्स चॉइस। इसका मतलब है उन्होंने साफ कहा कि अब इसराइल पीछे नहीं हटेगा क्योंकि हमास के द्वारा जितने भी रॉकेट फायर किए गए थे वो उनकी सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर लॉन्च किए गए थे, जिसके कारण इसराइल का जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। और उसके बाद से ही एयर स्ट्राइक में अधिकतर देखा जाए तो सिविलियन ही मारे जा रहे हैं, फिर चाहे वो इसराइल की तरफ हो या फिर पैलेस्टीन की तरफ हो। अगर आपने एक बात गौर करी हो कि पैलेस्टीन में इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं तो उसका जो कारण है वो खुद हमास है, क्योंकि हमास ने जितने भी रॉकेट लॉन्च किए हैं वो सिविलियन एरिया के ऊपर लॉन्च किए हैं इसराइल के, जिसके बाद इसराइल ने इतना कड़ा एक्शन लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमास की तरफ से अभी तक 3,500 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च कर दिए गए हैं और वो सभी के सभी सिविलियन एरिया के ऊपर लॉन्च किए गए हैं, ना कि इसराइल की मिलिट्री के ऊपर। हालांकि उसके उलट बिल्कुल जो हमास है उसने अपने जो मिलिट्री बेसेस है वो सिविलियन एरिया में बनाए हुए हैं पहले गाजा के अंदर, जिसके कारण जब इसराइल एयर स्ट्राइक करता है तो उसमें सिविलियन लोगों की भी जान जा रही है, जिसको देखते हुए काफी देशों ने कंसर्न जताया है कि इसराइल को कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा या फिर दोनों देशों को इस समय सीज फायर मेंटेन करना पड़ेगा। और अब अगर हम देखें इंडिया के स्टांस के बारे में, तो इस सिचुएशन पे इंडिया का स्टांस हमेशा से ही बैलेंस रहा है,
क्योंकि इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो पैलेस्टीन और इसराइल दोनों से ही अच्छे हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। अब आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।